फरीदाबाद में एक सफेद पोस्ट नेता द्वारा ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज को धौंस देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर चालान काटने वाले पुलिस को किस तरह से तरह तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं। बता दें कि ट्रैफिक उल्लंघन करने पर न केवल वाहन चालक की जान की बल्कि दूसरों की जान को भी खतरा होता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के बार बार चालान के बावजूद भी कुछ लोग ट्रैफिक नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर देखने को मिला है, जब 2-3 दिन पहले रॉन्ग साइड डेंजर ड्राइविंग करते हुए वाहन लेकर आ रहे एक वाहन चालक को ट्रैफिक इंचार्ज रतन सिंह ने चालान काटकर उसके हाथ में थमा दिया, जिससे कि वो आगे ऐसी गलती ना दोहराए। लेकिन उसने अपने किसी परिचित को फोन किया, जिसके बाद एक सफेद पोस्ट पहने नेता आए और फिर ट्रैफिक इंचार्ज रतन सिंह को धौंस देने लगे। ये रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी बड़ी स्पीड में, उसमें ऑटो वगैरह भी बड़ी बाल बाल बचे, एक दो बाइक वाले भी बाल बाल बचे, उसको रोका गया, मेरे जवान ने भक्के दौड़ कर रोका उसको। उसका हमने रॉन्ग साइड का चलान किया, डेंजर इन ड्राइविंग का उसका चलान किया हमने, तो उसने फ़ोन करके किसी आदमी को बुलाया, कोई राजनेता लोग से लग रहे थे सफ़ेद कपड़ों में, फॉर्चुनर गाड़ी लेकर आया यहाँ पर और हमारे से मतलब तेज तेज बदतमीजी से बोलने लगे, भाई मैं अभी थोड़ी देर चढ़ जाऊँ, मैं तेरे को नौकरी करने सिखाता हूँ। और उसके बाद मैं कहने लगा, भाई मेरे बड़े बड़े ऑफिसों में मेरे बंदे लगे हुए हैं, ऑफिसों में मेरे बड़े बड़े बंदे लगे हुए हैं और आपको नौकरी करनी सिखा दूँगा, आपने मेरा कैसा चलान किया। तो जी हमने उसका रॉन्ग साइड का उसको प्यार से कहा, भाई साहब हमने रॉन्ग साइड का किया क्यों, डेंजरिंग ड्राइविंग, साइड से गाड़ियाँ जा रही है, उन आदमियों को क्या बनेगा, अगर वो भिड़ जाते तो उनका क्या बनेगा, अगले की भी मौत को जाखिम और अपनी को भी मौत को। तो वो बार बार हमारे को ये कहकर यहाँ से चले गए, मैं आपको देखूँगा, और हमारे नो एंट्री के भी चलान किए जा रहे हैं, यहाँ से कोई गाड़ियाँ नो एंट्री में नहीं जाने देंगे। कौन था वो नेता? वो उसने अपना नाम नहीं बताया, बाकी जिसने का चलान किया था वो बंदा फोन करके उसने बुलाया।